सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफिशियल चैनल को और दबाइए ये बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साम और आप देख रहे हैं ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम ऐसी 5 ऐप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, डेंजरस हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। जी हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहली हमारी ऐप है यूसी ब्राउज़र। ये ब्राउज़र आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन बहुत से ज़्यादा यूज़र्स भी इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है कि ये आपके फ़ोन से डिटेल्स लेकर थर्ड पार्टी को भेजती है बिना आपकी इजाज़त के। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपके फ़ोन में वायरस आ सकते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये ऐप आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं भी यूज़ नहीं करता, तो आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी ये ऐप यूज़ ना करें। हमारी जो सेकंड ऐप है वो दरअसल दो ऐप्स मिला के काम करती हैं, सेकंड और थर्ड ऐप वो है हमारी फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक को तो आप सभी जानते होंगे कि फेसबुक बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये ख़तरनाक कैसे हो सकती है? इसका ये मसला है कि ये जो एप्लीकेशन है, ये सबसे पहली चीज़ तो आप इसमें मैसेजेस कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको थर्ड ऐप जो हमारी मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है आपके फ़ोन के लिए, क्योंकि इसकी जो फेसबुक ऐप है ये बहुत ज़्यादा हैवी है और इसका जो मैसेंजर है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी है। इसकी वजह से आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो सकता है, लैग हो सकता है। तो ये आपके फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और आपकी बैटरी टाइमिंग भी इसको इसकी वजह से कम हो जाती है, बैटरी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यूज़ होती है। तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करना तो आप इसका लाइटर वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो कि फेसबुक ने लॉन्च कर दिया है, और अगर आप वो यूज़ नहीं करना चाहते तो हमारी एक वीडियो है हर्मिट नाम की एप्लीकेशन के लिए जो कि आपको किसी भी ऐप का लाइटर वर्जन दे देती है। तो आप वो वीडियो ऊपर कार्ड आ रहा है वहाँ से देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने दे दिया है, वहाँ से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और वो ऐप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी जो फोर्थ ऐप है वो है क्लीनर्स। जी हाँ, कोई भी क्लीनर हो, जैसे CM क्लीनर हो जाता है, CC क्लीनर हो जाता है, ये जितने भी क्लीनर्स होते हैं ये बिल्कुल बकवास होते हैं और कोई काम नहीं करते, बल्कि ये दावे करते हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी सही कर देंगे, आपके फ़ोन की स्पीड बहुत ज़्यादा कर देंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते। ये क्या करते हैं कि आपके फ़ोन में से जो भी डेटा होता है, कैश डेटा, उसको डिलीट कर देते हैं, जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि अगर आप किसी एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसकी जो डिटेल होती है ओपनिंग की, वो आपके कैश डेटा में सेव हो जाती है, जो कि अगर आप दोबारा वो एप्लीकेशन खोलते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी खुल जाती है। लेकिन अगर वो आप कैश डेटा डिलीट कर देंगे तो वो ऐप को खुलने में दोबारा ही उतना टाइम लगेगा जितना फर्स्ट टाइम में लगेगा। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह वाली बात है और ये बैकग्राउंड में चलती रहती है, आपकी बैटरी भी खाती रहती है, बहुत ही ज़्यादा बैटरी कंज्यूमिंग होती है उसमें, और ये कोई काम बिल्कुल भी नहीं करती है, सिर्फ दावे करती हैं। तो ये ऐप आप बिल्कुल भी इस तरह की यूज़ ना करें, मैं भी बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता। हमारा एंड्रॉयड ही इतना स्मार्ट है कि जो ऐप जिसको चाहे वो बंद कर दें। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ ना करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये सब हो तो आप वो मैनुअली भी कर सकते हैं। आप अपनी ऐप को रिसेंट डाटा में से जाके भी डिलीट कर सकते हैं, आपका अपना कैश डेटा भी स्टोरेज में जाके डिलीट कर सकते हैं। तो आप वो काम मैनुअली भी कर सकते हैं जो ये ऐप ऑटोमेटिकली करती है। तो ये ऐप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। हमारी जो लास्ट और फिफ्थ ऐप है वो है बैटरी सेवर्स। जो भी बैटरी सेवर्स होते हैं, वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि बैटरी सेवर्स भी वही काम करते हैं, बैकग्राउंड में चलने वाली चीज़ों को बंद कर देते हैं, जो कि आप मैनुअली भी कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी बैटरी, बल्कि इन ऐप्स की वजह से आपकी बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में लगातार चलते रहते हैं, दूसरी ऐप्स तो बंद हो जाती हैं, ये जो ऐप को बंद करते भी हैं तो वो ऑटोमेटिकली खुद थोड़ी देर बाद खुद ऑन हो जाती है, क्योंकि एंड्रॉयड इतना ज़्यादा स्मार्ट है, वो जिस ऐप को चाहे वो ऑन कर देता है जब उसको ज़रूरत होती है। तो इन ऐप्स की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कि आपके लिए, फ़ोन के लिए ख़तरनाक हैं और आपको इससे नुकसान भी पहुंच सकता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बैटरी ख़राब भी हो सकती है, आपका फ़ोन लैग भी हो सकता है। तो इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ। उसके आगे आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं,
वरना मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप इस तरह की एप्लीकेशन बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।